और जो कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी उसके बाद अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी किया। अनुपम खेर ने इस पर अपने गुस्से का इजहार किया। एक सेकंड आपको वीडियो दिखाते हैं। कल दिन दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था पूरे कश्मीर में, उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके मां बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5,00,000 कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी टेररिज्म का शिकार हो रहा है उसको बचाना नहीं है। जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए। ओम शांति। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन, अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन, साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोज़,